दुनिया में जितने मजाहब थे, मेरे आका पाक जो दीन लाए, तमाम के तमाम मजाहब पर दीन मतीन को अल्लाह पाक ने गलबा अता फरमाया। अब जाहरी बात है, जो जिस दीन का पैरोकार होता है वो अपने दीन का गलबा उसे खुश रखता है, और वो जिस मज़हब पर है उसे उसके मज़हब की पिसपाई और उसके मज़हब की शिकस्त उसका दिल तंग करती है और वो परेशान होता है और उसके दिल में इंतकाम की आग भड़कती है। इस्लाम दुनिया के तमाम मज़ाहिब पे गालिब आया और रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने आगाज़ किया उम्र पाक 40 साल। मेरे आका पाक ने पर्दा फरमाया उम्र पाक 63 साल। ये 23 साल बनते हैं खिलाफत राशिदा हजरत सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो से लेकर इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम तक, ये अरसा 30 साल है। 30 साल खिलाफत राशिदा और 23 साल मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम का दौरे तबलीग, ये टोटल 53 साल बनते हैं। 53 साल में इस्लाम इतना गालिब आया कि दुनिया में 30 लाख मुरब्बा मील पर करोड़ों लोग रसूल हाशमी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे थे। बोलिए थोड़ा सुभान अल्लाह बोलिए, बाद में आपको बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा सुभान अल्लाह, क्योंकि मौजू ही ऐसा है। अभी आप बोल लीजिए, अल्लाह का नाम बुलंद कर लीजिए माशाल्लाह। सामिन मोहतरम, अब दुनिया में 53 साल 50 साल के कम अरसा में इतना बड़ा इनकलाब बपा हुआ। यहूदी भी परेशान, ईसाई भी परेशान, कुफार मुशरिकीन भी परेशान। उन्होंने ताकत के जरिए भी इस्लाम का मुकाबला किया, तीरों तलवार के जरिए भी इस्लाम का मुकाबला किया, जंगो जदाल के जरिए भी इस्लाम का मुकाबला किया, लेकिन इस्लाम और अहले इस्लाम को दबा ना सके, क्योंकि अहले इस्लाम को एक शान हासिल है। ये कहता है कि अगर गालिब आ गया तो गाजी बन जाऊंगा, और अगर जान दे दी तो शहदा में उठाया जाऊंगा। ये जज्बा इसको पीछे नहीं हटने देता, ये आगे आगे बढ़ता है। अब यहूद व नसारा और दुनिया की तमाम इस्लाम दुश्मन ताकतें, उनको ये तकलीफ थी और है कि इस्लाम आया और छा गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, जबकि ये हक है, जा अल हक व ज़हक अल बातिल, हक आया और बातिल का जनाजा उठ गया। हक को गालिब आकर ही रहना था। अब सामिन मोहतरम, उन्होंने सोचा ना हम इनको कुव्वत से दबा सकते हैं न जंगो जदाल से दबा सकते हैं। अब एक और हरबा ये था कि इस्लाम के खिलाफ साजिशें की जाए, मुसलमानों को तोड़ा जाए, और मुसलमानों के खिलाफ जो साजिशें की गई उनकी सैकड़ों अकसाम हैं जिनका मैं मुकम्मल बयान नहीं कर सकता। जिनमें से एक साजिश ये है कि मुसलमानों के रूप में मौजूद लोगों को खरीदा जाए और उनको ऐसे अकायद और नजरियात दिए जाए कि जो इस्लाम के मुनाफी हों। इस्लाम में रहने वाले लोग जब इस्लाम के खिलाफ बात करेंगे और नया नजरिया देंगे तो लोगों में इंतशार पैदा होगा, ज्यादा लोग उनसे इनहराफ करेंगे, दूर हो जाएंगे, लेकिन कोई ना कोई इक्का दोका 4, 5, 10 जरूर उनके हाथ चढ़ जाएंगे जो शैतान के चेले होंगे या शैतान की साजिश का जिनकी सोचों पे गलबा होगा। दोस्तों, ये साजिशी अनासिर आका पाक नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम के दौर से ये साजिशें शुरू की गईं। नबूवत के झूठे दावेदार इन साजिशों की एक कड़ी थे। हर दौर के अंदर जिसने भी हुजूर की खत्मे नबूवत का इनकार किया है वो गैर के अनासिर हैं, गैर के परवुर्दा हैं और इस्लाम दुश्मनों के रखेल हैं। उनकी साजिश, उनके पैसे और उनकी गुलामी करते हुए खत्मे नबूवत पे डाके डाले गए। एक और फितना अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदियों ने पैदा किया। खिलाफत उस्मानिया का दौर था, हजरत उस्मान गनी
रदी अल्लाह ताला अन्हो का। उसने मिस्र, शाम और इराक के अंदर लोगों में ये साजिश की कि खिलाफत का हक हजरत अली पाक का था। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, इन्होंने गसब किया और उनका हक मारा। 500, 1000, 2000, एक तादाद बढ़ती गई और राफजियों के नाम से मशहूर हुए, जिन्होंने इन खुलफाए सलासा की खिलाफत का इनकार किया। इस तरह हर दौर के अंदर फितने जन्म लेते रहे और मुसलमानों में दरारें डालते रहे और मुसलमानों को इस्लामी अकायद जो कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक हैं उनसे दूर करते रहे। अब गुज़श्ता सदी के अंदर सबसे बड़े दो फितने हैं, वैसे फितनों की तादाद ज्यादा है लेकिन मैं आपको दो अर्ज कर रहा हूं और बात हम एक पर करेंगे। दो फितने हैं और दोनों का नाम गुलाम अहमद है। एक को गुलाम अहमद कादियानी कहते हैं और एक को गुलाम अहमद परवेज कहते हैं। ये दो उम्मत मुस्लिमा के अंदर यहूद व नसारा की तालीमात में ये दो बहुत बड़े फितने डाले गए और इनको इस्लामी रूप के अंदर पैदा किया गया। गुलाम कादियानी की बात करूं, उसने हुजूर की खत्मे नबूवत पर डाका डाला, पहले इस्लाम के लिए काम करता रहा, ईसाइयों को और हिंदुओं को मुनाज़रों के चैलेंज करता रहा और कुरान की तफसीरें करता रहा, और चूँकि अव्वल से आखिर उसका सारा निज़ाम अंग्रेज़ के हाथ में था। हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ का हुकूमत बरतानिया का राज था और इस तरह उस शख्स को ख़रीदा गया, इस्तेमाल किया गया। पहले उसने मुअद्दस होने का दावा किया, फिर उसने मुजद्दिद होने का दावा किया, फिर उसने महदी होने का दावा किया और फिर नबूवत की किस्में बयान करने लगा और फिर नबूवत का दावा किया। जलील और रुस्वा हुआ, उसके मानने और चाहने वाले भी तबाह बर्बाद हुए और दुनिया के गुस्ताख तरीन लोगों में कयामत तक जब नाम लिखा जाएगा तो एक नाम मिर्जा गुलाम कादियानी और उसके मानने और चाहने वालों का भी लिखा जाएगा। दोस्तों, ये एक साजिश थी और आज तक उस साजिश की पुष्ट पनाही यहूद नसारा कर रहे हैं और इनके पास जो माल दौलत के अंबार हैं और बेपनाह दौलत, बड़े बड़े ओहदे और ऐवानों में, बड़े बड़े कामों में इनके हाथ, ये इस बात पर दलालत करते हैं कि इनकी बागडोर आज भी इनके बाप दादा अमेरिका और बरतानिया के पास है और कादियानियों का जो मरकजी सेंटर है वो भी बरतानिया के अंदर है, क्योंकि जहां की पैदावार है वहीं उसका असली घर है। अब आइए दूसरे शख्स की बात करें, इसके अकायद क्या है मिर्जा कादियानी के, ये मेरा मौजू नहीं है, बस इतना जान लें कि दुनिया का पलीद तरीन और गलीज तरीन इंसान मिर्जा गुलाम कादियानी है। हमने बात करनी है दूसरे फितना की। इस फितने का जो नाम है वो गुलाम अहमद परवेज है, लेकिन गुलाम अहमद परवेज कहना इससे जायज नहीं है, क्योंकि गुलाम अहमद तो नहीं है, ये गुलाम परवेज जरूर है। वो जिसने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के मकतूब पाक को टुकड़े टुकड़े किया था, वो दुश्मन रसूल, उस परवेज नाम की निस्बत से ये उस परवेज का गुलाम है। और इस शख्स ने मुसलमानों के अंदर जो फितना डाला, इसने कहा हम अहले कुरान हैं। अगर अहले कुरान का मतलब ये लिया जाए कि हम कुरान पढ़ने वाले हैं, हम कुरान समझने वाले हैं, हम कुरान पर अमल करने वाले हैं, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन अगर अहले कुरान का मतलब ये किया जाए कि हम हदीस को नहीं मानते, इनका अहले कुरान होना ये सवाले से है कि हदीस के मुनकिर हैं, इसलिए इनको अहले कुरान नहीं कहा जाएगा बल्कि मुनकिरीन हदीस कहा जाएगा। ये हदीस के मुनकिर हैं और वो गुलाम परवेज, उसने अपने पैरोकारों को ये सोच दी है कि हमने जो काम करना है, जो बात माननी है,
जो अमल करना है हमने सिर्फ कुरान से लेना है, और अहदीस मुबारक का मजाक उड़ाना, अहदीस मुबारक पर तरह तरह की इल्जाम तराशियां और बोहतान दराजियां आका पाक के सहाबा और अहले बैत अतहार पर बद एतमादियां और कुरान पाक की मन घड़त तफसीर करना और ऐसे मानी बयान करना जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं, ये शख्स का शेवा रहा है। और कराची में उनके मरकज से तुलुए इस्लाम के नाम से उनका माहनामा शाया होता है, और तुलुए इस्लाम के नाम ही से वो लोग अपनी जमात जो कि इस्लाम दुश्मन साजिशी अनासुरों की एक साजिश है, वो अपनी जमात का काम कर रहे हैं। तुलुए इस्लाम का नाम इसलिए रखा ताकि सीधा साधा मुसलमान इस्लाम के नाम पे गुमराह हो, इस्लाम के नाम पे हमारे करीब आएंगे और फिर हम इस्लाम के नाम पर अपने करीब करके उनके दिल दिमाग के अंदर इस्लाम के लिए ऐसे वसवसे पैदा करेंगे कि वो शख्स कलमा पढ़ते हुए भी मुसलमान नहीं रहेगा और गैर का आलाकार बन जाएगा। बहरहाल ये मिर्जा गुलाम अहमद परवेज इसका नाम है, तुलुए इस्लाम इसकी जमात और इसके रिसाले का नाम है। इसके मानने वाले परवेजी भी कहलाते हैं, अहले कुरान भी कहलाते हैं, और अहमदी दो हैं, एक अहमदी कादियान वाले और एक अहमदी ये कराची वाले। बात समझ में आ रही है, ये इसकी जमात है और इनका मंशूर ये है कि सिर्फ कुरान और कुरान के खिलाफ कोई बात, कुरान के अलावा कोई बात नहीं और किसी का तस्करा नहीं और किसी का जिक्र नहीं। ये एक फितना है। अब इस फितने की जो परवरिश है, चाहे कादियान वाले हों और चाहे ये परवेजी हों, दोस्तों न इनके पास दलील है, न इनके पास सबूत है, न इनके पास ईमान है, न इनके पास अदब है, कुछ भी नहीं है। फिर क्या वजह है कि कुछ लोग इनकी तरफ मायल होते हैं? इनके पास सिर्फ पैसा है, इनके पास सिर्फ गैर ममालिक का वीजा है, और इनके पास सिर्फ बेचने के लिए अपनी इज्जतें और अपनी बच्चियां हैं। इन तीन चीजों की चमक की वजह से ये लोगों को अपनी तरफ मायल करते हैं। ईमान की अहमियत से जो नावाकिफ हैं, वो दौलत के पीछे या वीजे के पीछे या नौकरी और छोकरी के पीछे अपने ईमान का सौदा करते हैं और इनकी तरफ मायल होते हैं, और दुनिया और आखिरत में लानत के हकदार ठहरते हैं। उनकी दुनिया, उनकी कब्र, उनकी आखिरत अल्लाह के कहर और गजब और तबाही और बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं है। आप आइए, मैंने आपको ये फितना बताया। फितने का मकसद क्या है इसका? कि हुजूर की हदीस का इनकार किया जाए और सिर्फ 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 कुरान को माना जाए, और कुरान से ही तो है वो इस्तिदलाल किया जाए, जबकि अहले कुरान कहलाने के बावजूद ये खुद कुरान को नहीं मानते और कुरान मुकद्दस की आयात का इनकार करते हैं, और कुरान मुकद्दस की हजारों आयात मुबारक के ये मुनकर ठहरते हैं। पहले इस हवाले से मैं गुजारिश करूंगा, अल्लाह ने कुरान अमानत मेरे नबी पाक को अता फरमाई, मेरे आका पाक ने सहाबे किराम को सुनाया, सहाबे किराम ने लिखा। ये तदवीन हदीस कुरान एक लंबा मौजू है और मैं अपने मौजू पर आना चाहता हूँ ताकि मैं अपना मुद्दा पेश कर सकूँ। 25 मिनट हो गए, अभी तमहीद मेरी चल रही है और मैं चाहता हूँ कि थोड़े वक्त में मैं ज्यादा बात आप तक पेश कर सकूँ। आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही? कोई तकलीफ में तो नहीं बैठे? नहीं बैठे तो जरा सुभान अल्लाह बोल दें, तकड़ा करके बोल दें, तकड़ा करके नारा सुना दें, तकड़ा तकड़ा नारा। कान पुख्ता होगा और बात करने का एक मकसद है, उस मकसद को मत भूलिएगा। आखिर में जाकर के बात इंतहा को पहुंचेगी तो मैं अर्ज करूंगा, जरा ऊंचा सुभान अल्लाह बोलिएगा। जनाबे वाला, मैं अर्ज कर रहा था, मेरे आका पाक ने कुरान मुकद्दस अल्लाह की अमानत हमें अता फरमा दी। मेरे आका पाक के एक सहाबी हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु,
आप फरमाते हैं, आका पाक जो फरमाते हैं मैं लिख लिया करता था ताकि याद कर सकूं और मेरे पास महफूज हो जाए। मुझे कुछ लोगों ने कहा, ऐ अब्दुल्लाह इब्ने उमर, आका पाक अलैहिस्सलाम कभी खुशी की हालत में होते हैं और कभी जलाल में होते हैं, हो सकता है वो बात ना लिखनी हो जो तुम लिख बैठो और कल उम्मत के लिए दलील बन जाए, लिहाजा तुम वो लिखा करो जो हुजूर फरमाए। आपने कलम दवात घर रख दी और लिखना छोड़ दिया। दो तीन दिन गुजरे, महबूबे करीम ने फरमाया, अब्दुल्ला इब्ने उमर आजकल लिखना छोड़ दिया है, या रसूल अल्लाह मुझे ऐसा ऐसा कहा गया। मेरे आका पाक ने फरमाया, अल्लाह की इज्जत की कसम, हुजूर ने अपनी जबान की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, अल्लाह की इज्जत की कसम, इस जबान से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता, मैं जो बोलता हूं उसको लिख लिया करो। दोस्तों, आका पाक ने जो फरमाया सहाबा ने लिखा। अब तवज्जो करना, कुरान भी हुजूर की जबान से और हदीस भी हुजूर की जबान से। कुरान और हदीस में फर्क क्या है? दोनों हैं शरीयत, दोनों हैं अहकामात, दोनों में अवामिर और दोनों में नवाही, दोनों शरीयत हैं। फर्क क्या है? कुरान अल्लाह की बात होती है और हदीस रसूलुल्लाह की बात होती है। कुरान अल्लाह की बात है जो, और हदीस क्या है? मेरे आका पाक की बात है। लेकिन मजा यह है, एक अल्लाह की बात है, एक हुजूर की बात है, लेकिन जब अल्लाह बोलता है तो भी मुस्तफा की जबान से बोलता है, जब रसूल बोलते हैं तो भी अपनी जबान से बोलते हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा, मेरा महबूब कोई बात अपनी मर्जी से, हवा ख्वाहिश नफ्स अपनी मर्जी से हुजूर नहीं बोलते। इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, हुक्म अल्लाह का होता है, कलाम अल्लाह का होता है, वही अल्लाह की होती है, जबान मुस्तफा की होती है। बहरहाल मेरे आका पाक ने कुरान को भी लिखा और हदीस को भी लिखा। कुरान सहाबे किराम ही के दौर के अंदर एक किताबी शक्ल में दे दिया गया। मेहनत कितनी हुई, मदीने में कितने हाफिज जमा हुए, कितने रोज कुरान पढ़ते पढ़ाते रहे, जो सहाबा ने घरों में संभाल संभाल के कपड़ों पे लिखा था, दरख्तों की खाल और दरख्तों की जो है वो छाल और जानवरों की खाल पर लिखा था, पत्थरों की प्लेटों पे लिखा था। तमाम सहाबा मदीने में मस्जिद नबी में ले आए और कुरान पे शबो रोज मेहनत होती रही और कुरान को किताबी शक्ल में लाया गया। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन, इसलिए आपको जामेउल कुरान कहते हैं, इस दौर में ये काम हुआ और फिर उस नुस्खे से और नुस्खे तैयार हुए और चार दांगे आलम में जहां जहां इस्लामी सल्तनत थी वहां तक एक एक नुस्खा पहुंचाया गया और फिर उन्होंने कुरान और हुफाज को बिठा, कुरान के हाफिजों को बिठाकर, कारियों को बिठाकर ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब अल्लाह का पाक कुरान किताबे मुबीन है। अब आगे सुनिएगा, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जो कुछ फरमाया सहाबा ने लिखा भी और सहाबा ने उसको याद भी किया। फिर आगे सहाबा सीना बसीना हुजूर की हदीस पहुंचाते रहे, हत्ता कि जब ताबेईन का दौर आया, जब सहाबे किराम इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके और ताबेईन मौजूद थे तो जरूरत पड़ी हुजूर की हदीसों को जमा करने की, तो बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन पैदा हुए जिन्होंने हदीस के शौक में मुल्क दर मुल्क सफर किया और कहां भाई सुना कि हुजूर की एक हदीस कोई सुनाता है, वहां खुद गए और जाकर अपने कानों से उस हदीस को समाप्त किया। इस तरह हदीस के बड़े बड़े मजमूए जमा किए गए। जब और आगे दौर गुजरा तो फिर मुहद्दिसीन ने एक इल्म कायम किया जिसको इल्मे हदीस कहते हैं। फिर इल्मे हदीस के अंदर बहुत से उलूम जमा किए जिनको उलूमे हदीस का नाम दिया गया। उनके अंदर रिवायत दिरायत सनद मतन वगैरह वगैरह बहुत कुछ किया गया, जिनमें से एक इल्म है इल्मे अस्माउर रिजाल, जितने लोग हदीस मुबारका के रावियों में शामिल थे। मसलन इमाम बुखारी ने हदीस मुबारका सुनी, उन्होंने फुलां से सुनी, उन्होंने फुलां से सुनी, उन्होंने फुलां से सुनी, उन्होंने फुलां से,
उन्होंने हजरत अब्दुल्ला से सुनी, उन्होंने हजरत उमर से सुनी, हजरत उमर ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से सुनी। दरमियान में जितने रावी थे हर एक के मुतालिक मुकम्मल हालात, उनकी जिंदगी के हालात, उनका इल्मी मकाम, उनका दुनियावी निजाम, उनकी जहानत कुव्वत हाफजा और उनका रहन सहन, उनका किरदार, उनका जोहद, उनका तकवा, ये मुकम्मल तौर पे तमाम लाखों मुहद्दिसीन किराम के हालात जिंदगी को लिया गया। फिर हदीस मुबारक अगर कोई इमाम बुखारी लेते हैं उसमें जितने रावी हैं हर रावी के हालात लेते हैं, सब साफ सुथरे, सब अच्छे, सब सुच्चे मुसलमान, नमाजी, परहेजगार, हदीस को लिखा और कहा यह हदीस सही है। अगर कहीं पर एक बंदा ऐसा नजर आया कि जिंदगी में कभी भी झूठ बोला था तो कहा इसकी हदीस नहीं लेनी, जो एक बार झूठ बोल सकता है वो हदीस में भी झूठ बोल सकता है। बहरहाल बड़ी जांच पड़ताल के बाद हुजूर की हदीस का मजमूआ जमा किया गया, सियासिता का नाम भी मौजूद है। इसके अलावा हदीस मुबारक की हजारों किताबें मौजूद हैं जिनको छान बीन के बाद मुहद्दिसीन किराम ने नकल किया। ये कहना कि जनाब हदीस कोई आम शय है और बगैर तहकीक के, बगैर सनद के और बगैर जनाबे वाला लोगों ने मेहनत के हदीस को लिख दिया, लिहाजा इसको मानने की जरूरत नहीं है, ऐसा गलत है। हदीस पर मेहनत हुई है, हजारों लाखों मुहद्दिसीन किराम ने इसको जमा किया है और इसकी वजह क्या है? रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैंने इब्तिदा में बताया, मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और एक अपनी सुन्नत। किताब क्या है? अल्लाह का कुरान है। और सुन्नत क्या है? मेरे मुस्तफा पाक का फरमान है, हुजूर की हदीस है। आप दोस्तों आगे आइए, मैं अपने मौजू को आप आसान करूं ताकि आप उलझनों में ना रह जाएं, लेकिन सुभान अल्लाह तो कहते जाएं ना। नहीं नहीं मट्ठा नहीं, जरा ऊंचा बोलिए। मेरे आका मौला नबी पाक की हदीस मुबारक, ये कुरान पाक की तफसीर है, कुरान पाक का अमली नमूना है। कुरान मुकद्दस तब तक समझ में नहीं आ सकता जब तक हुजूर की हदीस के साथ वास्ता ना रखा जाए। अगर कोई कहे हदीस के बगैर मैं कुरान पर अमल कर लूंगा या कुरान को समझ लूंगा, कज़्ज़ाब है, झूठा है, बदतरीन रसूल पाक का गुस्ताख है, जो हदीस के मुंह मोड़कर अल्लाह के कुरान की तरफ रजू करना चाहता है। आइए सुनिए दोस्तों, पहली गुजारिश यह है कि कुरान भी तो हदीस है। हदीस बात को कहते हैं, किसको कहते हैं बोलो? बात को कहते हैं। कुरान भी तो हदीस है, यानी कुरान भी तो हुजूर की मुबारक जबान से ही निकला है और हदीस भी हुजूर की मुबारक जबान से निकली है। तो जिन सहाबा ने कुरान को जमा किया उन्हीं सहाबा ने हदीस को जमा किया, तो कैसे हो सकता है कि उन्हीं सहाबा ने जो कुरान को जमा किया उसको सही माना जाए और उन्हीं सहाबा ने जो हदीस को जमा किया कांड कर ली जाए और कहा जाए हमारा हदीस से क्या वास्ता है, हदीस जरूरी नहीं है, हदीस सच्ची नहीं है, माज़ अल्लाह। तो दोस्तों अगर इस तरह कहा जाए तो फिर कुरान पर एतमाद कैसे रहेगा, कुरान पर यकीन कैसे रहेगा, कुरान पर ईमान कैसे रहेगा? क्योंकि कुरान भी हुजूर की जबान से निकला, हदीस भी हुजूर की जबान से निकली, कुरान को जमा करने वाले भी सहाबा हैं, हदीस को जमा करने वाले भी सहाबा हैं। अगर ये के सहाबा ने सुना इसलिए हम नहीं मानते, तो कुरान भी तो सहाबा ने सुना, कुरान भी तो सहाबा ने जमा किया। लिहाजा मेरे भाइयों, और यहाँ पर एक और बात भी बतलाता चला जाऊं, हुजूर को अल्लाह ने अमानत कुरान दी है और हुजूर ने वो अमानत सहाबा को दी है। जो सहाबा को नहीं मानता वो कुरान को कैसे मानता है? और भाई बताओ ना, जो कुरान को नहीं मानता, जो हुजूर के सहाबा को नहीं मानता, वो कुरान को कैसे मानता है? यही सहाबा है जिन्होंने कुरान को लिखा, याद किया, जमा किया और एक किताबी सूरत में हमें अता फरमाया। तो अल्लाह के कुरान को मानने के लिए सहाबा किराम के किरदार को पाकीजा मानना जरूरी है।
आगे सुनिए, मैं अपने मौजू पर आ रहा हूं। तो कुरान भी हुजूर पाक के सहाबा ने जमा किया, हदीस भी सहाबा ने जमा की। लिहाजा जिस तरह कुरान मुकद्दस पर एतराज नहीं किया जा सकता, आका पाक के सहाबा किराम पर भी एतराज, हदीस पर भी एतराज नहीं किया जा सकता। अब जनाब के मैं कुरान को बगैर वसीला मुस्तफा के मैं समझूंगा, मैं पढ़ूंगा और मुझे हदीस की जरूरत नहीं है, और ये कहकर इस फितने परवेजी ने लोगों को हदीस से दूर किया है और लोगों को इस्लाम से और ईमान से महरूम किया है। अब आइए सुनिएगा, मेरा रब्बुल जलाल फरमाता है, अल्लाह अकबर व कबीरा, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, लोगों तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी में हसीन नमूना है, हुजूर तुम्हारे लिए नमूना है। अब कुरान हमें हुजूर की तरफ मोड़ रहा है, ये कहता है सिर्फ कुरान ले लो, जब कुरान की बात में जाते हैं कुरान हमें फिर रसूल का दर दिखा देता है। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, मेरे रसूल तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अब रसूल नमूना है, मेरे आका पाक का खाना पीना नमूना है, उठना बैठना नमूना है, गमी खुशी नमूना है, आपका तिजारत करना नमूना है, आपका जिहाद करना नमूना है, आपका बोलना नमूना है, आपका अखलाक नमूना है, आपकी नमाज नमूना है। अब कुरान ने तो नहीं बयान किया हुजूर का खाना कैसे है, पीना कैसे है, जंगो जिदाल कैसे है, हुजूर की नमाज कैसे है। अब हुजूर नमूना है और अल्लाह कहता है तुम्हारे लिए नमूना है और तुमने हुजूर के नमूना पर अमल करना है, हुजूर से सीखना है। अब हुजूर का नमूना, ये तो कुरान ने बताया हुजूर बेहतरीन नमूना है, अब हुजूर का नमूना कैसा है ये सीखने के लिए हमें हुजूर की हदीस की तरफ जाना होगा। आगे सुनिए मेरे भाइयों, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, इस आयत पर अमल कैसे करेंगे परवेजी, पूरी दुनिया परवेजियत से मेरा सवाल है, कोई एक जवाब दिखाए और एक जवाब बताकर। असल में मामला यह है, इनके जो बड़े हैं वो उलमा के सामने नहीं बैठते, जिस तरह ये मिर्जा जहनमी है ना, मिर्जा जहनमी, ये उलमा के सामने कभी नहीं बैठेगा, अपने कमरों में बैठकर ये इस्लाम पर टामक टूइयां करते रहते हैं, उलमा के सामने नहीं आते। जिस तरह वो उलमा के सामने नहीं आता, मिर्जा कादियानी मरता मर गया, हराम हो गया, उलमा के सामने नहीं बैठा। इसी तरह मिस्टर गुलाम परवेज सारी जिंदगी एक कमरे में बैठकर बक 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 तो करता रहा है, लेकिन किसी आलम दीन के सामने नहीं बैठा है, क्योंकि अवाम को गुमराह करना और पैसा दे करके लोगों को खरीदना ये इनका शेवा है, इनके पास दलाइल नहीं होते। आइए मैं आगे बात चलाता हूं। रब्बुल जलाल ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। अब यहां पर इस आयत की तफसीर सुनिएगा, अल्लाह की इताअत क्या है, अल्लाह का कुरान, जो कुछ कुरान में है वो मानो, ये इताअत इलाही है, जिन चीजों से कुरान ने मना किया छोड़ दो, ये इताअत इलाही है। लेकिन अल्लाह करीम ने यहां पर बस नहीं किया, फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत भी जरूरी है, अल्लाह के रसूल की इताअत भी जरूरी है। मैंने कहा आते जाते रहेंगे, तवज्जो आपकी आनी जानी नहीं बल्कि सिर्फ आती ही रहे, जाए ना, सुभान अल्लाह बोलिएगा। अब सुनिए मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया, ए ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। अब इताअत खुदा क्या है, वो अल्लाह का कुरान है, इताअत रसूल क्या है, तमाम मुफस्सरीन किराम ने लिखा, हुजूर की सुन्नत, हुजूर की हदीस, हुजूर की सीरत, ये रसूलुल्लाह की इताअत है जिस पर चलने का अल्लाह हुक्म दे रहा है। अब अगर कोई कहे मैं अहले कुरान हूं, तो कुरान तो कह रहा है अल्लाह की इताअत भी जरूरी है, रसूल की इताअत भी जरूरी है, अगर तू अहले कुरान है तो तुझे मानना पड़ेगा, हमारे लिए कुरान भी लाजिम है, मुस्तफा का फरमान भी लाजिम है। लेकिन तू अहले कुरान नहीं है, तू मुनकिरे हदीस है, अगर कुरान पे अमल करता तो रसूल की इताअत लाजिम है, और रसूल की इताअत हदीस मुस्तफा है, सुन्नत मुस्तफा है। जब तू इसका इनकार करता है, नस का इनकार कर रहा है, और नस का
इनकार करे वो तमाम उलमाए हक्का के नजदीक मुसलमान नहीं रहता बल्कि दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। अब आगे सुनिएगा दोस्तों, मेरे रब्बुल जलाल ने यहां ये फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, एक मकाम पे फरमाया अतीउल्लाह व रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, यहां पर वहां पर दो मर्तबा फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, यहां पर अतीउल्लाह व रसूल, इताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की। मेरा रब क्या बताना चाहता है लोगों, रसूल की इताअत करना हकीकत में अल्लाह की इताअत करना है। और ये बात तवज्जो कीजिएगा, तकरीबन 40 के करीब कुरान मुकद्दस में ये आयात मुकद्दसा है जिनमें अल्लाह पाक ने अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, तवज्जो पूरी देना मेरे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, अल्लाह उसके रसूल की, कहीं एक जगह पर भी अल्लाह ने हुजूर का नाम जिक्र किए बगैर सिर्फ अपना नाम जिक्र नहीं किया है। जहां इताअत का जिक्र आया है अल्लाह रसूल दोनों का जिक्र आया है। आप देर होने लगे तो फिर बता देना, मैं जल्दी जल्दी बात को ठुकने लग जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे समझ आ रही है कि आपको समझ शरीफ आ रही है, जरा सुभान अल्लाह बोल दें दोस्तों। दोस्तों कहीं अकेला अकेला अल्लाह ने नहीं फरमाया मेरी इताअत करो, अगर है तो कोई ढूंढ के लाए। अल्लाह पाक ने जहां भी अपनी इताअत की बात की है साथ रसूल की बात की है, लेकिन ऐसा आया है कुरान में, ऐसा आया है कि रसूल की बात की है मेरे रब ने अपनी बात नहीं की है, ऐसा आया है रसूल की बात की है अपनी बात नहीं की है। रब्बुल जलाल ने फरमाया ऐ महबूबे करीम अपने सहाबा को फरमाओ वह इन तुतीउहु फतहतदौ, ऐ मेरे नबी पाक के गुलामों अगर तुम हुजूर की इताअत कर लो तो हिदायत पा जाओगे। हुजूर की इताअत, सिर्फ हुजूर की इताअत करो, अल्लाह हुजूर की इताअत करेंगे तेरी इताअत का क्या बनेगा। फरमाया मैं युते रसूला फकद अता अल्लाह, अगर रसूल की इताअत करो तो समझ लो तुम अल्लाह की इताअत कर रहे हो, रसूल की बात मान लो अल्लाह की बात हो जाएगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बंदा कुरान को माने, अल्लाह की इताअत करे और रसूल की इताअत ना करे और दोनों की इताअत हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह की बात मानो नबी की ना मानो अल्लाह राजी हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि रसूल की मानो तो रब की भी मान ली है तुम लोगों ने, क्यों कि रसूल की इताअत में कुरान भी शामिल है, हुजूर का फरमान भी शामिल है। ये मेरे आका नबी पाक की इताअत है, इसलिए फरमाया मैं युतिर रसूला फकत अता अल्लाह, जो हुजूर को छोड़ के सिर्फ कुरान की बात करेगा गुमराह हो जाएगा, अलबत्ता जो रसूल का दामन थाम लेगा। मेरा रब कहता है मैं युतिर रसूला फकत अता अल्लाह, रसूल का दामन थाम लो रब भी मिल जाएगा, रसूल भी मिल जाएगा। और बात समझ में आ रही है, जरा ऊंचा बोलो ना सुभान अल्लाह। आगे सुनिए तारे कौन है खत्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का कैसे इनकार कर सकते हो। अब बताओ कुरान कहता है मेरे नबी की इताअत करो, मेरे नबी की इताअत कीजिए तो समझ लो तुमने अल्लाह की इताअत की है। आइए मैं बात को आगे, मैं दो तीन आयात तबरकन पेश करूंगा फिर मैं अपने मौजू को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, जरा सुनिएगा और बोलिएगा सुभान अल्लाह। तारे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल जलाल ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ये आयत क्यों उतरी, कब उतरी, जब यहूदियों ने कहा हम अल्लाह को तो मानते हैं फिर क्या रसूल को मानना जरूरी है, ईसाइयों ने कहा हम अल्लाह को तो मानते हैं क्या नबी को मानना जरूरी है। मेरे रब ने फरमाया हां, जो अल्लाह को मानता है नबी को मानना पड़ेगा। मैं बिचे वक्फा घिनना भी मत, सुभान अल्लाह के तो सब छठे दे बैठे सी ज्यादा लगे बैठे लेकिन तो सुभान अल्लाह ता दे रहा हूं ना सुभान अल्लाह। फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर महबूब फरमाओ अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिउनी, तो मेरी तबा करो रसूल की तबा करो। अब यहां पर मुनकिरीन हदीस परवेजी टोला क्या कहेगा, अल्लाह करीम फरमाता है अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे नबी की इत्तबा करो, इत्तबा करो रसूल की, बात मानो रसूल की, हुजूर की सुन्नत पे अमल करो, मेरे नबी की पैरवी करो। तू सुन्नत को भागता है, हदीस से भागता है, हुजूर से भागता है और कुरान बारगार बारगाहे मुस्तफा का रास्ता बतलाता है। आइए
सुनिएगा, मेरे रब्बुल जलाल ने फरमाया फत्तबिउनी, महबूब फरमाओ कि मेरी इत्तबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें प्यारे बंदों में शामिल कर लेगा, वयग़फिर लकुम दुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा, वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला है और रहम फरमाने वाला है। इस आयत का क्या जवाब देंगे परवेजी, मैं तो चंद आयतें पढ़ रहा हूं, कुरान मुकद्दस की हजारों आयतें हैं जो रसूल की सुन्नत और इत्तबा और हदीस पर दलालत करती है, और एक आयत का भी परवेजियों के पास जवाब नहीं है। आइए मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरे रब्बुल जलाल ने फरमाया अगर अल्लाह को पाना चाहते हो, अल्लाह से मिलना चाहते हो, इत्तबाए रसूल जरूरी है, सुन्नत रसूल पर अमल करना जरूरी है। इत्तबा कैसे होगी, जब शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें पता होगा, हमें खबर होगी। अब आगे सुनिए, ताजदारे कौन है नबी करीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस के अंदर हमें इजमाली तौर पर दीन मतीन अता कर दिया, अकायद भी अता फरमा दिए, अहकामात भी अता फरमा दिए, ममनुआत से भी आगाह कर दिया, जायज़ नाजायज़ सारी खबरें दे दी। लेकिन दोस्तों, एक आम बंदा अगर कुरान मुकद्दस की तरफ रुजू करता है तो उसे मुकम्मल तौर पे आगाही हासिल नहीं होती। अब कुरान मुकद्दस को समझने के लिए कौन सी बात जरूरी है, अल्लाह करीम ने ऐलान फरमाया, मैं कुरान ही पढ़ रहा हूं, ये जो कुरान कुरान करने वाले हैं और कुरान के नाम पर लोगों को धोखा देकर पैसे की लालच में उनके बाप दादा का दीन छीनने वाले हैं और इस्लाम से दूर करने वाले हैं, खुदा रसूल का दुश्मन बनाने वाले हैं, उनसे पूछो अगर कुरान की बात करते हो तो ये भी तो अल्लाह का कुरान पढ़ा जा रहा है, कुरान की एक आयत पर भी तुम्हारा अमल नहीं है। अहले कुरान नहीं हो तुम, मुनकिरी ने हदीस हो तुम, दुश्मन कुरान हो। आओ मैं बात आगे कर रहा हूं, बड़ी तवज्जो के साथ समाप्त कीजिए। रब्बुल जलाल ने फरमाया मा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अनहु फंतहु। इस आयत का लफ्ज़ी तर्जमा यह है, मेरा नबी तुम्हें जो अता फरमाए उसको ले लो, और जिस चीज से मेरा नबी मना करे उस चीज से बाज आ जाओ, उस चीज को छोड़ दो। अब इसका माना क्या है, मेरा नबी तुम्हें जो हुक्म दे वो काम तुमने करना है, और मेरे रसूल जिस काम से मना करें वो काम तुमने छोड़ देना है। अब दोस्तों बताइए, अल्लाह पाक ने अपने लिए नहीं फरमाया कि कुरान में जो आया है वो मानो और कुरान में जो आया है मना कर दिया है उसको छोड़ दो। ये बात तो वाज़े है, अतीउल्लाह का मतलब यही है कि कुरान की बात मानो, कुरान के अहकामात मानो, कुरान की पैरवी करो। लेकिन यहां वातीउर रसूल का मफहूम बताया जा रहा है, मौला नबी की इताअत क्या है। फरमाया मा आताकुमुर रसूल फखुजू, मेरा नबी जो हुक्म देता है वो काम करो और जिससे मना करता है वो काम छोड़ दो। अब दोस्तों हमें कैसे पता चलेगा नबी पाक ने इस काम का हुक्म दिया है और इस काम से मना किया है, यह पता हमें हुजूर की हदीस से लगेगा, सुन्नत से लगेगा। अब इस आयत पर अमल करने के लिए हुजूर की हदीस की तरफ रुजू करना जरूरी है, सुन्नत खैरुल अनाम की तरफ रुजू करना जरूरी है, पैरवी सुन्नत जरूरी है। कैसे मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत से इनहिराफ हो सकता है, आइए जरा बात आगे करते हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, जरा तकड़ा करके सुनना चाहता हूं, अल्लाह अकबर व कबीरा। अब आगे आइए सुनिए दोस्तों, मेरे रब्बुल जलाल ने कुरान पाक के अंदर कहीं पर इस तरह बहुत सी मकामात पर जिक्र किया है किताब और हिकमत, किताब और हिकमत। आप कुरान पाक पढ़ते हैं, किताब के साथ अल्लाह पाक हिकमत का जिक्र करता है। मैं भी एक कुरान मुकद्दस की आयत मुबारक पढ़ देता हूँ, कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिक्मा वही वल्लमुकुम मालम तकूनु तालमून। जैसा कि अगर कुरान की बात मानते हो तो ये क्यों नहीं मानते, हमने शान वाला रसूल तुम में से तुम्हारे अंदर मबूस फरमाया, यतलू अलैकुम आयातना तुम पर हमारी आयात तिलावत करता है, वही ज़क्कीकुम तुम्हारे दिलों को पाक करता है, वही वल्लमुकुमुल किताब वल हिक्मा तुम्हें किताब की भी तालीम देता है और तुम्हें हिकमत की भी तालीम देता है। किताब भी सिखाता है, हिकमत भी सिखाता है। किताब देना यानी उधर से लेना और इनको देना, यतलू अलैकुम आयातिना इसका जिक्र यहां हो गया। फिर फरमाया वयुअल्लिमुकुमुल किताब तुम्हें किताब सिखाता भी है, किताब पढ़ाता भी है, किताब सिखाता भी है।
अब किताब सिखाना क्या है इसकी मैं आगे जाकर बात करूंगा। अब आगे फरमाया वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिक्मा, और हुजूर तुम्हें हिकमत भी सिखाते हैं। उठाओ मुफस्सिरीन किराम को, ये किताब तो समझ में आती है, अल्लाह की किताब है, ये कुरान है, हुजूर हिकमत भी सिखाते हैं। हिकमत क्या है? तमाम मुफस्सिरीन किराम ने लिखा किताब से मुराद कुरान है, हिकमत से मुराद हुजूर का फरमान है। तो हुजूर दो चीजें लाए हैं और फरमाया मैं दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब है, एक मेरी सुन्नत है। यहां उसी के लिए फरमाया वही वल्लिमुकुमुल किताब वल हिक्मा, मेरा नबी तुम्हें कुरान भी सुनाता है, हुजूर तुम्हें हदीस भी पढ़ाता है। अब कुरान में हुजूर की हदीस का जिक्र आया है, वरना मुझे बताओ इस हिकमत से मुराद क्या है? हिकमत से मुराद हदीस मुस्तफा है, तो यही कुरान ही तो हमें बता रहा है। लोगों, अल्लाह का कुरान भी जरूरी है, मुस्तफा का फरमान भी जरूरी है। मेरे आका मौला ताजदारे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपने बिस्तर पर टेक लगाए बैठा होगा और उसके सामने मेरी हदीस पेश की जाएगी और वो गुरूर और तकब्बुर से कहेगा हमारे लिए अल्लाह का कुरान काफी है। आका पाक ने फरमाया सुनो, दोनों चीजें मुझे अल्लाह की तरफ से मिली हैं, अल्लाह का कुरान ये भी अल्लाह की तरफ से है और मेरी हदीस भी अल्लाह की तरफ से है। मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहले पेशगोई कर दी थी, फरमाया मालदार बंदा होगा, खूब खाने पीने वाला बंदा होगा, अपने तख्त और पलंग पे बैठा होगा और अपने दौलत की नशे के अंदर और अपनी अपने महल और अपने महल और बागात के नशे के अंदर वो तकिए पे टेक लगा के कहेगा मुझे हजूर की हदीस से कोई गरज नहीं है, मेरे लिए अल्लाह का कुरान काफी है। हुजूर ने फरमाया मत भूलना ये दोनों अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है, अल्लाह का कुरान भी अल्लाह की तरफ से है, हुजूर का फरमान भी अल्लाह की तरफ से है। लिहाजा ऐसे शख्स की बात नहीं मानना कि जो सिर्फ कुरान की बात करेगा। और हुजूर की इस फितने के मुतालिक मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पहले बयान कर दिया, कुरान की बात तो करेगा लेकिन फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं करेगा। और हुजूर ने फरमाया खूब खाने पीने वाला बंदा होगा, यानी मालदार बंदा होगा और अपने तख्त पर बैठा होगा। ये गुलाम परवेज भी मालदार बंदा अपने तख्त में अपने महल में बैठकर सोशल मीडिया के जरिए और जनाबे वाला मुख्तलिफ तरीकों से सिर्फ अपने कमरे में चूहे की तरह बंद होकर यह वार करता है और मानने वालों को पैसे दिए जाते हैं, मानने वालों को पैरवी करने वालों को दौलत की लालचें दी जाती हैं और लोग अपने ईमानों का सौदा करते हैं। बहरहाल सामिन मुहतरम आइए मैं अपनी बात को थोड़ा और वादे करता चला जाऊं, हमारे एक घंटा मेरा हो चुका है, बाकी 15-20 मिनट आधा घंटा बात करके जो है हम अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाएंगे, लेकिन सुबहान अल्लाह की आवाज तो आती रहेगी। अब सुनिएगा दोस्ताने गिरामी, जिन लोगों का यह दावा है कि जनाब हम सिर्फ अल्लाह का कुरान मानते हैं और उस पर अमल करते हैं और हमें हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका की जरूरत नहीं है, हम उनसे सवाल करते हैं, आप जनाब ये बताएं अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस के अंदर जकात का हुक्म दिया है, आप ये बताएं हदीस को खोले बगैर ये बताएं जकात का निसाब क्या है, जकात कितने पे फर्ज है, जकात किस किस पे फर्ज है और जकात की परसेंटेज क्या है, आप कुरान से ये जकात के मसाइल अखज करके दें। जकात एक अहम फर्ज है और इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक अहम रुकन है जकात। अब आप कहते हैं हमारे लिए अल्लाह का कुरान काफी है, अगर सिर्फ कुरान है और हदीस की कोई अहमियत नहीं है तो साबित करके दें कितनी दौलत पर जकात जरूरी है, कितनी चांदी पर जकात जरूरी है और कितने जनाबे वाला सोने पर जकात जरूरी है, कारोबार पर जकात जरूरी है या नहीं है, कौन से माल ज्यादा हो तो भी जकात जरूरी नहीं है, कौन सा माल ज्यादा हो तो जकात जरूरी है और साल भर कितना अरसा माल रह जाए तो उस पर जकात बनती है और साल में कितनी बार जकात बनती है और कितनी जकात बनती है। एक मसला कुरान से ले आओ, इस एक एक मसले की एक एक जुज के लिए तुम्हें हुजूर की हदीस की तरफ जाना पड़ेगा। तकबीर,
अगर सिर्फ कुरान की बात करते हो तो जात करो, हुजूर की हदीस के बगैर कुरान पे अमल करना नामुमकिन है। हुजूर की हदीस के बगैर कुरान पर अमल करना नामुमकिन है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की मानो, रसूल की मानो। रसूल की मानोगे तो तब जनाब इताअत होगी, और इताअत जब होगी तब अल्लाह के कुरान की इताअत होगी। जब हुजूर की हदीस नहीं मानोगे इताअत कैसे करोगे? इताअत नहीं करोगे वाती और रसूल पर अमल कैसे करोगे? लिहाजा हुजूर की हदीस के माने बगैर कुरान को नहीं माना जा सकता। मैंने ये अर्ज किया, कुरान ये तो कहता है कि ज़कात दो, और एक बार नहीं कहता, बार बार कहता है ज़कात की वसातें बगैर हदीस के तुम नहीं ला सकते। किस तरह अहले कुरान बन सकते हो? हुजूर की हदीस छोड़कर, हदीस के मुनकर होकर कुरान पर अमल कैसे कर सकते हो? आओ रोजे की बात करते हैं। कुरान में रोजे का जिक्र भी किया है, रमजान का तस्करा भी किया है, लेकिन जनाबे वाला अब रोजे के मसाइल और रोजे के औकात और रोजे के जनाबे वाला सहरी और अफ्तारी का तायुन और रोजे के टूटने और ना टूटने के मसाइल, ये जुमला मसाइल जो आप उलमा से सुनते रहते हैं, ये कहां से लाएंगे? ये कहां से लाएंगे? अब जनाबे वाला एक बंदा कहता है हालत रोजे में मुझे कै आ गई है। अब उसको जवाब कौन देगा कि कै आने से रोजा नहीं टूटता? उसको कौन जवाब देगा? कुरान से जवाब कैसे लाओगे? लिहाजा मेरे भाइयों ये बड़ी तफसील है। अगर कोई बंदा ज़कात देना चाहता है तो भी हदीस की तरफ आना जरूरी है, अगर कोई रोजा रखना चाहता है तो भी हदीस को मानना जरूरी है। आइए, कुरान ने हज का जिक्र किया है, मशरे हराम का तस्करा किया है। अब ये मैं नहीं बताऊंगा कि जनाब तुम्हें ये किसने बताया है मकाम इब्राहिम ये है, तुम्हें ये किसने बताया है सफा मरवा ये है। कुरान ने तो सफा मरवा का जिक्र किया है, ये तो नहीं बताया कि इन दो पहाड़ियों को सफा मरवा कहते हैं। ये तो हुजूर की हदीस ने बताया है ना, ये तो लंबी बातें हो जाएंगी। मकाम इब्राहिम का जिक्र तो है, लेकिन ये किसने बताया कि ये मकाम इब्राहिम है? ये हुजूर ने बताया है ना हमें? दोस्तों बहरहाल ये मक्का है, ये मदीना है, ये सारी बातें हुजूर ने बताई हैं। मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम, अल्लाहु अकबर व कबीरा, कुरान ने हज का हुक्म तो दिया है, लेकिन हज के जुमला मामला और जुमला मुनासिब और तरीकेकार, जिस तरह हाजी हजरत कहां पे हज अदा करते हैं, ये मुकम्मल तरीकाकार हमें कुरान से दिखला दीजिए, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हज का मुकम्मल तरीका सीखने के लिए भी हदीस मुस्तफा, बोलो बोलो हदीस मुस्तफा जरूरी है। लिहाजा जो कुरान पर अमल करना चाहता है हदीस की तरफ रजू जरूरी है, जो हदीस को नहीं मानता कयामत तक कुरान को नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता। आगे सुनिए जनाबे वाला, नमाज एक अहम रुकन है या नहीं है? बोले, नमाज एक अहम रुकन है और दिन में 5 मरतबा फर्ज है। बताओ जनाब, नमाज कुरान मुकद्दस में नमाज का सैकड़ों मरतबा जिक्र आया है। अब उठाए और बताए नमाज के औकात कितने हैं, नमाज की तादादें कितनी है, नमाज में जो फराइज है, जो सुनन है, जो वाजबात है, जो सजदे हैं, खड़ा होने का तरीका है, रुकू है, सजदा है, वगैरह वगैरह, ये सारा तरीका। हमें कोई चीज तो कुरान से ले आओ। और कुरान कुरान करने वाले लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाले, अनपढ़ लोगों को अपनी खबासतों में फंसने वाले और लोगों के ईमानों का सौदा करने वाले, तुम्हारी नमाज ये इस्लाम की पहली इबादत है, ईमान के बाद पहला फर्ज है। बताओ ये रकतें कहां से लाओगे? कुरान से। ये नमाजों की तादाद कुरान से कहां से लाओगे? ये नमाजों का तरीका कहां से लाओगे? ये सजदों के अंदाज कहां से लाओगे? और नमाज में हम जो सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ते हैं कुरान से कहां से लाओगे? सुभान रब्बियल अजीम कुरान से कहां लाओगे? सुभान रब्बियल आला कुरान से कहां लाओगे? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तैयिबात कुरान से कहां लाओगे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद कुरान से कहां लाओगे? ये सारी नमाज तुम्हें छोड़नी पड़ेगी अगर तुम हदीस से मुंह मोड़ोगे। पता चला कुरान पर अमल करने के लिए हदीस मुस्तफा पर अमल करना जरूरी है। तकबीर, शान मुस्तफा, शान हदीस पाक, लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक, 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 लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक, लबैक, लबैक।
बहुत से ऐसे मामलात हैं जिन्होंने कुरान मुकद्दस के अंदर जिनका जिक्र है और हदीस और बहुत सी बातों का कुरान में जाहिरी तौर पर जिक्र नहीं आया। आका नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ काम को रुजू करना पड़ेगा। हुजूर नबी पाक ने फरमाया, खबरदार अगर कोई तो कहे मेरे लिए कुरान काफी है, हदीस की जरूरत नहीं है, फरमाया दोनों चीजें अल्लाह की तरफ से मुझे अता हुई हैं, अल्लाह का कुरान भी, मेरा फरमान भी। मेरे आका पाक ने फरमाया, गधे की हुरमत का यानी हराम होने का कुरान में जिक्र नहीं आया, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूं कि घरेलू इस्तेमाल वाले गधे हराम है। अब दोस्तों जो कुरान करने वाले हैं, कुरान में गधे के हराम होने का जिक्र नहीं है, लिहाजा गली कूचों में गधे पकड़ा करो, खाया करो, टिक्के बनाया करो, देगे चढ़ाया करो, कबाब बनाया करो, क्योंकि कुरान में गधा हराम नहीं है। कुरान के अंदर इन हुरमतों, कुरान ने तो बयान किया, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। कुरान ने तो ये बयान किया है मुर्दार हराम है, जो बगैर छुरी के मारा जाए, मर जाए वो क्या है बोलो, हराम है। बहता खून क्या है वो हराम है, खिंजीर का गोश्त क्या है वो हराम है, और जिस पर छुरी चलाते हुए अल्लाह के अलावा किसी का नाम लिया जाए वो हराम है। कुरान ने तो ये चार हराम बयान किए हैं। ये गिद्दड़ भी पकड़ के खा लिया करो, ये कुत्ते भी पकड़ के खा लिया करो, हाँ हाँ किसी बच्चे को भी ज़िबा कर लिया करो, खा लिया करो। वजह क्या है, अगर सिर्फ कुरान की बात करते हो तो दुनिया का हर गंद खाना पड़ेगा। ये तमाम जो चीजें हराम की गई हैं, थोड़ा जिक्र कुरान ने किया है, ज्यादा मुस्तफा ने जिक्र फरमाया है। आका पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के कुरान में इरशाद फरमाया कि वो चीज जो बगैर छुरी के मर जाए वो क्या है बोलो, हराम है, वो मुर्दार है। ठीक हो गया, वो मुर्दार है जो बगैर छुरी के मछली पे छुरी चलाते हो, नहीं सब खाते हैं, अल्लाह अल्लाह, इनको बोलो मछली खाना छोड़ दो। अल्लाह अकबर, कहीं देखे ना कि बाजार से मछली ले रहे हैं, अब ये छुपा के है के जाएंगे। अल्लाह इनको बोलो मछली क्यों खा रहे हो, ये तो मुर्दार है, छुरी चली नहीं है, गर्दन है नहीं इसकी, क्यों खाते हो। और जी बुखारी शरीफ में हुजूर ने मछली को हलाल करार दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर हदीस की तरफ आना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, अगर हदीस से मुंह मोड़ो, हराम को हलाल समझने लगो, हलाल को हराम समझने लगो, नमाजें छूट जाए, रोजे छूट जाए, ज़कातें छूट जाए, हलाल और हराम का फर्क खत्म हो जाए, इस्लाम मजाक बन जाए, तमाशा बन जाए। और इन्होंने हदीस से मुबारक इसलिए छोड़ी है ताकि इस्लाम को तमाशा बनाया जाए, मजाक बनाया जाए, और उम्मत के अंदर इस्लाम की अहमियत को खत्म किया जाए। लिहाजा हर आने वाले फितरे को समझो, समझो, समझो और जान लो, जिस तरह मिर्जा कादियानी कादियानी का एक फितरा था जिसने उम्मत को गुमराह किया था, उसी तरह का ये मिर्जा परवेजी भी एक फितरा है जो उम्मत को गुमराह कर रहा है। उसके मानने वाले भी लईन जहन्नम के कुत्ते हैं, इसके मानने वाले भी लईन जहन्नम के कुत्ते हैं। जिंदाबाद, 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 ताजदारे खत्म नबुवा, जिंदाबाद, जिंदाबाद, किबला मुफ्ती अमीर मोहम्मद भूरी से, सुभान अल्लाह, सुभान, दीन आया, दीन आया, दीन आया, दीन आया, मन सब पर नबी, फख्तलोह, मन सब पर नबी, फख्तलोह, मन सब पर नबी, फख्तलोह। और कोई समझेंदे ही पयो जो महीने लगा बैठा सोना दादा, समझेंदे पयो, अकल शरीफ दे विच गाल शरीफ बांधी पई है या नहीं बांधी पई, जरा आखो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, करो कबीरा। आइए दोस्ताने गिरामी, कहीं पर मेरा मौजू इतना लंबा ना हो जाए कि जो बातें जरूरी हैं वो करना रह ही ना जाए, जरा सुभान अल्लाह बोले, बात आगे बढ़ाते हैं। हम अर्ज कर रहे थे इस फितना मुनकरीन हदीस का, जिन्होंने हुजूर की हदीस का इनकार किया है, हदीस मुबारक का मजाक उड़ाया है, हम उस गुलाम अहमद परवेज का तस्करा कर रहे हैं जिसको परवेजी फितना के नाम से याद किया जाता है, और तुलुए इस्लाम के नाम से, इस्लाम का नाम लेकर ये लोगों को इस्लाम से दूर कर रहे हैं। अब जनाबे वाला, इन्होंने कुरान की बात की है, लेकिन कुरान को कितना माना है और किस तरह माना है, और कुरान पाक का इन्होंने क्या, कुरान
पाक की तफसीर किस तरह की जाती है, कुरान की तफसीर कुरान ही से की जाती है। यह पहला कुरान पाक की तफसीर का तरीका है। कुरान को समझना भी होता है ना, बोलो ना, कुरान को समझना भी होता है। तो कुरान को समझने के लिए पहला तरीका है कि कुरान में ही से कुछ आयात ली जाती हैं और उस आयत के मफहूम को वाज़े किया जाता है। दूसरा तरीका है कुरान पाक की तफसीर हुजूर की हदीसों के जरिए की जाती है। मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम ने कौलन फेलन उस आयत के मुतल्लिक कुछ इशारा फरमाया या इरशाद फरमाया, वो कुरान की तफसीर कर दी जाती है। और तीसरा तरीका यह है सहाबा किराम और अहले बैत किराम के आसारों अकवाल, उन्होंने जो कुरान पाक की तफसीर फरमाई है और वसाहत की है उसके जरिए कुरान की तफसीर की जाती है। उसके बाद जो मुफस्सरीन है, जो मुतकद्दमीन है, जो हमारे उलमाए रब्बानीयीन 1400 सालों में जिनको अल्लाह ताला ने उलूमे मातिनिया में महारत अता फरमाई है, वो फिक में, वो हदीस में, वो तफसीर में, वो कलाम में, वो मंतक में, वो जो है अकायद में मुख्तलिफ किस्म के जो इल्मी दीनी उलूम है उनमें जिनको मकाम सिका नसीब हुआ है, उन्होंने फिर मुफस्सरीन का मकाम पाया है। उन्होंने अकवालो आसारो आदीस मुबारका को देखते हुए तफसीरें लिखी हैं और बड़े सोच सोच के बड़े एहतियात के अंदर कहीं बेअदबी ना हो जाए अल्लाह की जात के लिए या अंबिया किराम के लिए या किताब के लिए या रसूलों के लिए या जो है अकायद इस्लामिया के लिए या अहकाम के बयान में हमें कोई गलती ना हो जाए। इस्तखारे कर करके और हजारों किताबों के मुताले कर करके उन्होंने कुरान पाक की तफसीरें की हैं। और आज तक जितने मुफस्सरीन किराम आज जदीद दौर में तफसीरें कर रहे हैं, अगर वो बंदा सच्चा है, उसके दिल में मैल नहीं है, कजी नहीं है, मुनाफकत नहीं है, तो मुकद्दमीन की, जो मुतकद्दमीन की जो हजारों कोतमा की तफासीर हैं उनको सामने रखता है और उनकी रोशनी में बात करता है, फुला ने यह कहा, फुला ने यह कहा, फुलाने ये कहा। अब आइए दोस्ताने गिरामी, इस बंदे ने कुरान का नाम लिया है, परवेश ने, लेकिन कुरान पाक की तफसीर कैसी की है? मैं एक नाम लेने लगा हूं, बड़ा गौर से सुनना और समझना। असल में ये बातें जो मैं कर रहा हूं ये जो है ये आपके लेवल की नहीं है, लेकिन मैं बड़ी सादे अंदाज में पेश कर रहा हूं ताकि जो है मैं आप औखे ना हो और बात आपको समझ में आ जाए। दोस्तों एक नाम है मुस्तशरिकीन। क्या नाम है? मुस्तशरिक। एक को कहते हैं मुस्तशरिकीन, ये उनकी जमा है। ये कौन है? यहूदो नसारा ने, कुफारो मुशरिकीन ने पूरी दुनिया में इंतहाई जहीन, दुनियावी तौर पे बात कर रहा हूं, जहीन पढ़े लिखे और लालची लोगों को खरीदा और उनको कहा तुम्हारे अंदर सलाहियत है, हम तुम्हें कोठी देंगे, कार देंगे, बंगला देंगे, एजाज देंगे, अवार्ड देंगे, तुमने सिर्फ अपनी लाइब्रेरी में बैठकर इस्लाम के खिलाफ लिखना है। इनकी तादाद हजारों में है, इनको मुस्तशरिकीन कहते हैं। ये कुरान की आयतें मुबारक लेते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, हुजूर की हदीस मुबारक लेते हैं, उनसे गलत मानी अखज करते हैं और इल्जाम तराशियां हुजूर की सीरत पर, ये फ्रांस वाले खाके बनाते हैं। ये उन मुस्तशरिकीन की कार्रवाइयां हैं, उनका अमली नमूना है। डेनमार्क वाले जो गुस्ताखी करते हैं ये उन मुस्तशरिकीन की किताबों का निचोड़ है। ये जो अमेरिका ये और बर्तानिया वाले गुस्ताखाना फिल्में बनाते हैं ये वो मुलहिदीन हैं, मुस्तशरिकीन हैं, जिनका इस्लाम के साथ कोई वास्ता नहीं है, इस्लाम दुश्मन है। और उनका हर आर्टिकल, हर मजमून, हर किताब, हर तस्नीफ या कुरान के खिलाफ है या हदीस के खिलाफ है या हुजूर की सीरत के खिलाफ है। माजल्ला मुस्तशरिकीन जो बातें करते हैं, जब वो बात करते हैं हमारा दिल चिरता है, हम जख्मी होते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम खाकों के खिलाफ जुलूस निकालते हैं, हम एहतजाज करते हैं, हम फ्रांस का बाइकाट करते हैं। लेकिन वही बात इस्लाम के लिबादे में बैठकर अगर कोई करता है तो फिर उस पर इतना एहतजाज नहीं होता, क्योंकि वो उसको इस्लाम के कागज में गिलाफ में लपेट कर जहर बेच रहा होता है। जैसे आपको दवा की शीशी में कोई जहर डाल दे और आप कहें कि मैं सेहत के लिए दवा ले आया हूं, लेबल ऊपर मेडिसिन का हो, अंदर जहर हो,
तो वो आपको फायदा देगा या नुकसान देगा? इस्लाम का नाम लेबल इस्तेमाल किया जाता है और अंदर जहर डाला जाता है, तो जो बातें मुस्तशरिकीन ने कुरान पाक के मुतल्लिक, हदीस के मुतल्लिक और हुजूर की सुन्नत और शरीयत के मुतल्लिक की हैं, वही बातें ये कादियान का दूसरा भाई, ये परवेजी फितना हुजूर के कुरान की तफसीर करते हुए वही अकीदा, वही नजरिए, वही गुस्ताखियां अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, जन्नत के लिए, जहन्नम के लिए, इस्लाम के लिए, वही गुस्ताखियां कुरान की तफसीर करते हुए करता है और उसको नाम तफसीर कुरान का दिया जाता है और इस तरह उम्मत को गुमराह किया जाता है। अब बताइए, ये अल्लाह की जात का भी मुनकिर है ये शख्स, इसने जो तफसीर की है, या सलीम के नाम पर जो किताब लिखी है, या अहकामात कुरान जो लिखी है वगैरह वगैरह, इसने उसमें यही कहा है जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र आया है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जहां अल्लाह रसूल का कुरान में जिक्र आया है, ये कहता है कि अल्लाह रसूल से मुराद वक्त के हुक्मरान हैं। नऊज बिल्ला, कानून को कभी कहता है कि जो इस मुल्क का कानून होता है वही अल्लाह रसूल है, कभी कहता है जो वक्त का हुक्मरान होता है वही अल्लाह और अल्लाह का रसूल है, कभी कहता है कि जो रसूल होता है वो अल्लाह होता है, और जब रसूल चला जाता है तो उसका जो खलीफा होता है वही अल्लाह हो जाता है। नऊज बिल्ला, ये अल्लाह की जात का भी मुनकिर है। ये कहता है बस अल्लाह एक कानून का नाम है, रसूल एक कानून का नाम है, अल्लाह रसूल एक मुआशरे का नाम है, और वक्त का जो हुक्मरान होता है, वक्त का जो काजी होता है, जो फैसला करने वाला होता है, ये कहता है बस वही अल्लाह है, वही रसूल है, कुरान ने इन्हीं को अल्लाह रसूल कहा है। नऊज बिल्लाह, नऊज बिल्लाह मिन ज़ालिक। बताइए वो कैसे मोमिन हो सकता है जो ऐसे बंदे पर एतकाद रखे और ऐसे बंदे की पैरवी करे? खुदा की जात का ये मुनकिर है, खुदा की जात का ये मुनकिर है, ये खुदा की जात का मुनकिर है। ये कहता है मुआशरा खुदा है, वक्त के हुक्मरान खुदा है, अदालतों में बैठे हुए काजी खुदा रसूल है। मैं हैरान हूं अंधे लोगों पर, लूले लंगड़े तुम्हें क्या हो गया, अपने ईमानों की बर्बादी कर रहे हो। आगे सुनिए दोस्तान गिरामी, बरादर मोहतरम असलम साहब बता रहे हैं, और यही बात मैं करने वाला था कि वो कहता है जन्नत जिसका जिक्र कुरान में है ये कोई जन्नत आसमानों पे नहीं है, बल्कि दिल की कैफियत का नाम जन्नत है। अगर दिल तुम्हारा खुश है यही तुम्हारी जन्नत है, और जहन्नम कोई ऐसी आग नहीं है जो कहीं भड़क रही है और उसमें गुनाहगारों को डाला जाएगा। दिल की एक हालत का नाम जहन्नम है, अगर दिल परेशान है तो यही दिल जहन्नम है, और अगर दिल खुश है तो यही जन्नत है, बाकी कोई जन्नत और रख नहीं है। परवेज यू पे लानत, बेशुमार परवेज यू पे लानत, मुनकरीन हदीस पे लानत, कादियानी पे लानत। कहां बैठे हो मेरे भाइयों, क्या कर रहे हो? इतने बड़े बड़े फितने, और मैं हैरान हूं फितना कहां होता है और कहां जाकर के अपनी नापाक साजिशों का आगाज रखता है, और लोग दीन से बेलार, ईमान से बेलार, दुनिया आखिरत से बेलार, अल्लाह रसूल से बेलार, उनके आंखें लगते हैं, उनका दामन पकड़ते हैं, ये नहीं सोचते कि हम अपने लिए जहन्नम का सौदा कर रहे हैं। ये उसका जन्नत के मुतल्लिक अकीदा है, यह उसका जहन्नम के मुतल्लिक अकीदा है। वो जन्नत और दोज़ख का भी मुनकिर है। वो कहता है इंसान के जो गुनाह है उसकी जो सजा है वो दुनिया में मिल जाती है, और उसकी जो जजा है वो दुनिया में मिल जाती है। दुनिया में अल्लाह ताला इंसान को नेकी का बदला भी दे देता है और गुनाह की सजा भी दे देता है, बाकी मरने के बाद जन्नत दोज़ख, कहता है ये कोई तसव्वुर नहीं है। ये किन के अकीदे हैं? ये मुस्तशरिकीन के अकीदे जो इस्लाम पे वार करते हैं, और इनको इस्लामी खिलाफ पहनाकर, जैसे किसी आम किताब को कुरान वाला खिलाफ पहना दिया जाए, इस्लामी खिलाफ पहनाकर ये कौम को गुमराह किया जा रहा है। ये उसके अकायद हैं, नजरियात हैं। हूरों का वो मजाक करता है, फरिश्तों का वो मजाक उड़ाता है, कहता है बस फरिश्ते हमारी सोच का नाम है, सोच
जन्नत दोजख तो दिल बना दिया ना, कहा फरिश्ते हमारी सोच है। अब अल्लाह कहता है इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी, फरिश्ते तो हुजूर पे दुरूद पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, तेरी सोच में तो गंद भरा हुआ है। फरिश्तों को सोच, अब ये क्यों कहा, उसने क्यों कहा? इस्लाम के जो बुनियादी अकायद है वो तौहीद है, वो रिसालत है। तौहीद और रिसालत, खुदा का इनकार किया कहता है वो है ही नहीं, कानून है यही खुदा है। रसूल का इनकार किया, हदीस का इनकार, ये भी बुनियादी असूल था ना, इनकार कर दिया। जन्नत दोजख पर ईमान लाना भी जरूरी है जी, उनका भी इनकार कर दिया। फरिश्तों पर ईमान लाना भी जरूरी है, उसका भी इनकार कर दिया। कुरान पर ईमान लाना भी जरूरी है, कुरान का भी मुनकर है। कौन कहता है कुरान है? कुरान को मानता तो मैंने इतनी हदीसें आयतें पढ़ी हैं, एक को तो मानता। बेशक, तो जितनी जरूरियात तीन थी इसने सबका इनकार किया है। मैं और बयान नहीं करना चाहता इस हवाले से, इसने सब का इनकार किया है। और क्यों किया है? मैंने कहा जो कुफार और मुशरिकीन, इस्लाम दुश्मन लोग जो मुसलमानों को गुमराह करने के लिए मुस्तशरिकीन के जरिए गुमराही और बेदबी फैलाना चाहते हैं, ये भी उन्हीं मोरों में से एक मोरा है और उन्हीं के गुलामों में से एक गुलाम है। मिर्जा कादियान की तरह ये भी यहूद और नसारा की नस्ल है और यहूद और नसारा का पालतू है और वही काम कर रहा है जो इस्लाम दुश्मन कर रहे हैं। बस वो लेबल लगाते हैं इस्लाम दुश्मन होने का, वो जाहिरी दुश्मन है, ये बातनी दुश्मन है। ये इस्लाम का लेबल लगाकर इस्लाम के अंदर इन्हिराफ करता है, ये मुनाफिक है। और मुनाफिकीन का अंजाम क्या है? इन्नल मुनाफिकीन फिद दरकिल असफल मिनन नार, मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले तबके में होगा। इसकी वजह क्या है कि माफिर काफिर मुसलमान को इतना नुकसान नहीं देता जितना मुनाफिक मुसलमान को नुकसान देता है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। मेरे भाइयों, आपने परेशान नहीं होना कि तकरीर लंबी हो रही है, मेरे बाद वाली तकरीर इससे भी ज्यादा लंबी होगी। उस्तादुल उलमा मुनाज़िर इस्लाम अलामा मोहम्मद यूसुफ रिज़वी साहब तशरीफ ला चुके हैं। आपने जहन में ये नहीं रखना कि तकरीर लंबी हो रही है, शायद इसलिए कि वो आए नहीं या अभी पहुंचे नहीं या उन्होंने आना ही नहीं है। वो आ चुके हैं और मुझे जो टाइम दिया गया है मैं वो टाइम पूरा करूँगा, तो इंशाल्लाह ताला आप भी तशरीफ ले आएंगे। मैंने डेढ़ घंटा बोला था, एक घंटा 20 मिनट मेरे हो चुके हैं। इस दौरान आ जाते हैं तो मैं बात मुका दूंगा, नहीं तो बात तो चलती ही रहेगी ना। आप ये इत्मीनान रखें कि इंशाल्लाह आपके मेहमान आए हुए हैं, आपको परेशानी नहीं होगी। जरा तकड़ा करके नारा नन्ना सुभान अल्लाह की आवाज सुना दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तकड़ा करके बोले सुभान अल्लाह। जनाबे वाला, तमाम जरूरियात दीन का इनकार किया है इस शख्स ने, जो एक इस्लामी जरूरत जिनका ताल्लुक ईमानियात के साथ है उसका इनकार करता है, वो मुसलमान नहीं रहता। अब किस तरह से ये बंदा मुसलमान हो सकता है जिसने गुस्ताखियां भी की हैं? कुरान की गुस्ताखी है, अल्लाह ताला की जात की गुस्ताखी है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है, और जरूरियात दीन का जिसने इनकार किया है। नबी पाक की सैकड़ों नहीं हजारों हदीसों का इसने मजाक उड़ाया है और हदीस मुबारक को लेकर उन पर तंज किया है, उन पे तान किए। मैं वो बयान नहीं कर सकता दोस्तों, अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, ये फ्रांस वालों ने या डेनमार्क वालों ने या जो आसिया मलूना जिसको सजाए मौत हुई थी और जिसको अंग्रेज के पालतुओं ने यहां से आजाद कराया था, उस आसिया मलूना के दामन में इतनी गुस्ताखियां नहीं है जितना इस परवेजी फितने के दामन में गुस्ताखियां हैं। लेकिन फर्क क्या है? इसने इस्लाम का लिबादा उड़ा हुआ है, ये अपने आप को मुसलमान कहता है, ये कुरान की बात करता है और कहते हैं हम कुरान की बात करते हैं, लेकिन नहीं, ये कुरान के भी मुनकर है, ये इस्लाम के भी मुनकर है, ये अल्लाह ताला की जात, हुजूर की जात और तमाम दीन इस्लाम के मुनकर रहते हुए ये अपना काम चला रहे हैं। और याद रखो दोस्तों, मिर्जा कादियान के अंदर और परवेजी फितने के अंदर कोई फर्क नहीं है, वो खत्मे नबूवत के मुनकर है, ये पूरे दीन के मुनकर है, पूरे इस्लाम के दुश्मन है, रसूलुल्लाह की मुकम्मल शरीयत के मुनकर है। उनके दामन में भी गुस्ताखियां हैं, इनके दामन में भी गुस्ताखियां हैं, वो भी रसूल के दीन के दुश्मन है, ये भी रसूल के दीन के दुश्मन है।
है। और सुन लो, जिस तरह वो बदबख्त लानती और मलून है, ये बदबख्त भी लानती और मलून है। जिस तरह ओह और उसके चाहने वाले मिर्जा कादियान और उसके मानने वाले दुनिया और आखिरत में जलील है और काफरों के साथ कयामत में उनका असर किया जाएगा, उसी तरह ये परवेजी फितरा उसके मानने वाले, उसके लिए नरम गोशे रखने वाले और उस पर ईमान रखने वाले या उस पर यकीन रखने वाले या उसको मुसलमान समझने वाले लानती और मलून है और कयामत में इनका भी गुस्ताखों के साथ हशर किया जाएगा। गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा, मन सब नबीन। दोस्तों, हमारे पास इस्लाम के अलावा और ईमान के अलावा है क्या? ईमान कोई ऐसी शय थोड़ी है कि कोई 10,000 का चेक दे और सौदा हो जाए, कोई 50,000 रुपया दिखलाए और सौदा हो जाए। इस्लाम बेचने की चीज थोड़ी है। अगर कोई कहे कि मैं अपनी वक्त की जरूरत पूरी करता हूं, मैं दिल से मुसलमान हूं, सिर्फ जरूरत पूरी करने के लिए मैं उनको राजी करता हूं, सुन ले, जिस दिन तुमने उनसे पहला नोट लिया था उनको जारी तौर पे खुश करने के लिए और जरूरत पूरी करने के लिए, तेरे नोट बाद में मिला था, तेरा ईमान पहले लुट गया था। इससे पढ़कर बदबख्ती क्या है कि ईमानों के सौदे हो जाए। ईमान वाला तो अल्लाह की साथ पे चांद देता है, नबी की साथ पे अपना कुंभा कुर्बान कर देता है, रसूल की इज्जत हुरमत के लिए अपनी जवानियां लुटा देते हैं, सरों पे कफन बांध लेते हैं और कहते हैं मार दो मर जाएंगे, काट दो कट जाएंगे, जला दो जल जाएंगे, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस का सौदा नहीं होने देंगे। हुजूर के नौकरों का तो ये आलम है, नबी के गुलामों का तो ये हाल है। कहां की बात कर रहे हैं? अगर तू किसी ने ऐसा किया है तो सुन लो, वो पहले से मुसलमान था ही नहीं। अगर मुसलमान होता तो नबी की इज्जत का सौदा ना करता। पहले से उसके दिल में निफाक था, मुनाफकत थी और इस्लामी भेष में मुसलमानों के दरमियान बसता है। अगर कोई ऐसा किया है, कर रहा है, तो जान लो ये पहले दिन ही से इसके सीने ईमान से खाली था। वल्लज़ीना आमनू अशद्द हुब्बा लिल्लाह, ईमान वाले तो टूट कर अपने खुदा से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। उनको तपते हुए अंगारों पे सुलाया गया। अंगारे पे पांव रखना भी बड़ा औखा है, लेकिन तपते अंगारों पे लेटे, अंगारे सुलगते थे, चमड़ा पिघलता था, चर्बी पिघलती थी। वो चर्बी पिघल पिघल के अंगारों को बुझा देती थी, राख हो जाते थे, ऊपर तड़पने वाले बेहोश हो जाते हैं। जब होश आया तो सर पे खड़ा काफिर कहता है, खबाब क्या फैसला किया है? फरमाए, फैसला तो हो चुका, अंगारों पे जान दे दूंगा, हुजूर की मोहब्बत का सौदा नहीं करूंगा। वो तख्ते दार पे खड़े थे, दाएं बाएं तीर अंदाज अपने निशाने बना चुके थे, फांसी का फंदा गर्दन में पड़ा था, ज़ैद बिन दसरा जान बचा लो। पर मैं वो कैसे? एक बार कह दो मेरी जान बच जाए और मेरे हुजूर की जान चली जाए, एक बार कह दो। फरमाए, जान के बदले जान, अगर तुम कहो कि मेरी जान के बदले हुजूर के पांव में कांटा चुभे, जान दे दूंगा, कांटा नहीं चुभने की बात करूंगा। तीर वालों ने तीर चलाए, फांसी वाले ने फंदा छोड़ा, लटक गए, तीरों से छलनी हो गए, लाशा तड़पता था, लटकता था, लेकिन पैगाम देता था, गुलाम मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए, ये जान क्या है? अगर हो करोड़ो तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं, तेरे नाम पर सर को कुर्बान करके मोहम्मद मोहम्मद पुकारा करूं मैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, शुहदाए इस्लाम, शुहदाए इस्लाम, गाजियाने इस्लाम, किबला मुफ्ती साहेब, जारी रहेगा।
जारी रहेगा। फाक तो लो किस वक्त से गुजर रहे हैं, कैसे लोग देखने नसीब हो रहे हैं, किस किस तरह के और तरह तरह के भांत की बोलियां वाले वालों से हमारा पाला पड़ गया है। ये बात मत भूलना, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के साहरी जमाने से ये मामलात शुरू हुए हैं। यहूदों नसारा इस्लाम दुश्मन ताकतों ने इस्लाम के खिलाफ अपनी ताकत को आजमाया है, लेकिन उसी तौर से जानिसारों ने मुस्तफा के नौकरों ने अपने सरों पे कफन बांध के सूलियों पे लटक के जाने देकर टुकड़े होकर ये बताया है, और आज तक तारीख इस्लाम गवाह है और कयामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक गुस्ताखों की गंदी माओ की पलीत गोदों में गुस्ताख जन्म लेते रहेंगे, तब तक या रसूल अल्लाह कहने वाले या हबीब अल्लाह के नाम पे कुर्बान होने वाली सुन्नी माओ की पाक गोदों में मलिक मुमताज हुसैन कादरी और अमीर उल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रिजवी जन्म लेते रहेंगे। लबैक लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह। सब कुछ गुम्बद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद खत्म नबी जिंदाबाद, जिंदाबाद खत्म नबी जिंदाबाद, जिंदाबाद खत्म नबी जिंदाबाद। मुफ्ती अमीर मोहम्मद बोलवी से अल्लाह अकबर व कबीरा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, आपका इश्क, आपकी अकीदत, आपका प्यार, सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम के साथ वालेहाना ये अकीदत और मोहब्बत हमारा असास और हमारा सरमाया है। एक कामिल मोमिन जानता है जान देना माल देना कट जाना लुट जाना आसान है, हुजूर आका पाक की जात के साथ गद्दारी करना महाल है, नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर किसी को शक हो, फैजाबाद लाहौर से वजीराबाद सीने छलनी थे, पांव जख्मी थे, खून की नहरें जारी थी, एक नौजवान का एक कदम भी पीछे नहीं आया, ये आगे गए हैं। इन्होंने बताया है मेरे नबी से मेरा रिश्ता आज भी था, कल भी था और आज भी है। इनको ये सबक मिला है, ये करंट मिला है, ये एक फैस है, ये फैसाने रजा है। लोग कहते हैं आपका रजा कितना बड़ा था, मैंने कहा रजा तो बहुत बड़ा है, जिसका रिज़्क़ इतना बड़ा है वो रजा कितना बड़ा होगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। हुजूर के जो आशिक, नबी के जो नौकर, हुजूर आका पाक को चाहने वाले, जो आका की इज्जत और हुर्मत नामूस रिसालत खत्म नबूवत के लिए अपनी जान दे देते हैं, वो जमाने में अमर हो जाते हैं, फिर उनका नाम मिटा नहीं करता, रहती दुनिया तक कयामत तक के लिए उनके नाम जिंदा रहते हैं। मियां वाली की जेल के अंदर बहुत बड़ी जेल है, बहुत बड़ी जेल है, मैं अगर ये कहूं कि वहां पर आज तक लाखों कैदी हो गुजरे होंगे तो ये मुबालगा नहीं होगा। अल्लाह हू अकबर। लेकिन एक कैदी ऐसा आया कि उसका नाम आज मियां वाली की जेल के दरवाजे पे फोटो के साथ पूरे रोड का नाम उसी के नाम से मंसूब हो गया। ये एक कैदी कौन था? ये रसूलुल्लाह की इज्जत पर पहरा दे के आया था। हाँ अल्लाह, हजरत खासी इल्मुद्दीन शहीद, हाँ अल्लाह,
मियां वाली की जेल से गुजरो, मियां वाली जिहाद चौक इस्लामाबाद तलाकंग रोड की तरफ जाओ तो दोस्तों रास्ते में राइट साइड राइट हैंड पे आपको मियां वाली की जेल का बड़ा सा दरवाजा मिलेगा। उस दरवाजे के बाद बहुत बड़ा बोर्ड नजर आएगा, इल्मुद्दीन शहीद की तस्वीर नजर आएगी और गाजी इल्मुद्दीन शहीद रोड लिखा हुआ नजर आएगा। एक कैदी ऐसा आया कि आज तक मियां वाली की जेल के लिए एहसास बन गया और उस कोठरी में कैदियों को नहीं रखा जाता, फूलों की सेज लगी हुई है। क्यों? कि यहां इल्मुद्दीन शहीद का हाल लेने मुस्तफा आया करते हैं। क्या बता है, कैदी तो हजारों आए हैं, फरमाया और कैदी आए हैं, वो दुनिया के लिए आए हैं, ये मुस्तफा की नौकरी करके आया है, कयामत तक इसका नाम जिंदा ताबिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह। वाजी तेरा नाम रहेगा, वाजी तेरा नाम रहेगा, सलाम है सलाम है सलाम है सलाम है सलाम अकबर कबीरा। अब आइए दोस्तों, अर्ज गुजारिश ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन ईमान इस्लाम, अल्लाह ताला की ज़ात, आका पाक की इज्जत हुरमत, कुरान मुकद्दस, हुजूर की हदीस, हुजूर की सुन्नत, ये सब हमारा सरमाया है, हमारा असासा है और ज़रा बराबर इसमें कमी, ज़रा बराबर इसके लिए इन्हिराफ और इसके लिए गैर अहमियत हमारे दिल में या इनको मामूली समझना, ये ईमान के लिए बर्बादी है और तबाही है। एक शख्स गरीब है, उसका गुजारा औखा है, अपने बच्चों को मेहनत मुशक्कत करके हलाल कमा के खिलाता है, उसके बच्चे मुसलमान हैं, नमाजी हैं, परहेजगार हैं, उसके बच्चे कुरान पाक पे अमल करते हैं, हुजूर की हदीस पे अमल करते हैं, बंदा दुखी था, बंदा परेशान था, औखे सौखे जिंदगी गुजार गया, दुनिया से चला गया, दुनिया दुखों में सुखों में कट गई, चलते हुए ईमान जिंदा ले गया, दुनिया में जैसा भी था लेकिन नेक था, परहेजगार था, हलाल खाने वाला था, कब्र में बात जाएगा, कब्र में जन्नत के बिछोने पहले आ जाएंगे, इसकी औलाद नमाज पढ़ेगी, दुआ करेगी, इस्तगफार करेंगे, हर रोज इसकी कब्र में अल्लाह ताला रहमतें और बरकतें नाजिल करेगा, कयामत के मैदान में आएगा तो अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्र करेगा, मौला भूखा था, प्यासा था, औखा था, दुखी था, जैसा भी था, तेरा शुक्र भी था, तेरे रिस्क पे राजी भी रहा, औलाद को हराम नहीं खिलाया, मौला मुझे कब्र में भी सुख दिया है और कयामत में भी करम फरमाया है। ऐसा बंदा बारगाह इलाही में कामयाब हो जाएगा, अल्लाह ताला उसके लिए अपनी रहमतों के दरवाजे खोलेगा, मेरा मालिक उसको अपनी नेमतों से सरफराज करेगा और वो अल्लाह ताला के इनामात पर बरगाह इलाही में शुक्र गुजार होगा, अल्लाह ताला की नेमतों पे हम्द करेगा, वो बहते चश्मे, वो आबशारे, वो जन्नत के तख्तोताज, वो जन्नत की नेमतें, वो हूर गिल्मा, वो शराब तहूर की नहरें, वो दूध और शहद की नहरें, वो जन्नत के बागात मोहल्लात, एक एक नेमत देखता जाएगा, अल्लाह की हमद करता जाएगा और मालिक शुक्र करता चला जाएगा। ईमान जिंदा ले गया, पीछे औलाद बंदे के पुत्र छोड़ गया, वो बंदा जो भूख को बर्दाश्त ना कर सका, वो बंदा जो दुनियावी लालच में आ गया, वो बंदा जिसको पैसे की हवस ने अंधा कर दिया, किसी कादियानी ने उसको अपने साथ रलाया, वीजे का लालच दे दिया, नौकरी का लालच दे दिया, या कोई छोकरी के साथ उसकी दोस्ती करा दी, अंधा हो गया, ईमान का सौदा कर गया, या वो बंदा जिसको ऐसा बंदा मिल गया जिसका ताल्लुक परवेजी फितने के साथ है, उन्होंने कीमत लगाई, बोली लगाई, मकान बना दूंगा, कमरा बना दूंगा, बेटे की शादी करा दूंगा,
वीजा लगा दूंगा, ये दिला दूंगा, वो दिला दूंगा। उन्होंने लालच दिलाई, ये अपने पांव पे ना ठहर सका, ईमान का सौदा कर गया और जनाब अपना ईमान बेच डाला। नाराय तकबीर, नाराय रिसालत, नाराय हैदरी, मुनावरे सलाम, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत। माशाल्लाह माशाल्लाह रिजवी शेर आ गया जनाब, रिजवी शेर आ गया है। अल्लाह ताला आप नु सलामत रखे, आप दी हिफाजत फरमावे और तुसा लोगों की खुशबख्ती है कि आप दी ज्यारत भी नसीब हुई है और इंशाअल्लाह ताला पुर मगज और पुर जोर खिताब भी समात करे सो। अल्लाह ताला आप दे इल्म व अमल दे अंदर मजीद बरकत और वसत अता फरमावे। जरा वत सुभान अल्लाह कुछ आप तकड़े थियो मैं अपना वक्त पूरा कीती बैठा, मैं तुहानू साया डेढ़ घंटा ही, एक घंटा चाली मिनट ते पहुंच गया। मैं अपने आखिरी कलिमात पेश करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करेंदा पिया, लेकिन वल्लो तो सही ना मैं नाल तो गुजारा करेंदे रहो तो मैं तुहाडे नाल गुजारा करेंदा रहा, तो मेरे तो बाद जेले रिलवी साहब ने माइक संभाला ना वत तुहाडा भी पता लग वे सी कितने पानी दे विच बैठे हो। जरा सुभान अल्लाह उच्ची आवाज नाल आखो चा और बुलंद आवाज नाल आखो चा, नी मजा आंदा पिया उच्चा आखो। दोस्तों मैं अर्ज कर रहा था भुखा था, सुखी था, दुखी था, जैसे भी था, अपना ईमान भी सलामत ले गया और अपनी नस्ल को भी नमाज रोजे पर लगा गया, दुनिया से चला गया, कब्र में भी सुख है, कयामत में सुख है, जन्नत में अल्लाह की नेमतों से सरफराज होगा, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेगा। मौला जैसे भी था औखे सौखे जमाना गुजर गया, तू राजी है, तेरा नबी राजी है, तवज्जो दे तवज्जो आपस में इशारे न करो, तू राजी है, तेरा नबी राजी है। दोस्तों एक बंदा ऐसा है जिसका औखा गुजारा हो रहा है, जिसके मकान का मसला है, बेटी की शादी का मसला है, बेटे की शादी, नौकरी का मसला है, या कोई भी मसला है, कहीं पर उसे कोई परवेजी मिल गया या कहीं पर उसे कोई कादियानी लानती मिल गया। परवेजी ने कहा हमारा मजहब ले ले, तुझे लाख का चेक देता हूं, हमारे मजहब पे आ जा तेरे बेटे की नौकरी करवा देंगे, हमारे मजहब पे आ जा तेरी बेटी का जहेज दिलवा देंगे, हमारे मजहब पे आ जा हम तुझे कच्चा कोठा पक्का करा देंगे, हमें तुझे मकान की छत डलवा देंगे। उस बंदे का ईमान मुतसलसल हो गया क्योंकि ईमान कच्चा था। ये लुटे ये शख्स जो है ये शूम था, ये कंजूस था, ये शख्स लालची था, दौरस का हदौलत का हवस इसके दिल में था, लिहाजा ईमान का सौदा कर बैठा और कहा इनको राजी करने के लिए चले दे दो। सौदा बिक गया। अब कैसे बिका, ये 50 में बिका या लाख में बिका या जितने में भी बिका, सौदा हो गया। अब सौदा होने के बाद क्या हुआ, इसका ईमान तो जाया हो गया। अब जब इसकी नस्ल जो इसके जेरे साया परवरिश पाएगी, क्या वो मुसलमान होंगे, वो भी मुसलमान नहीं होंगे, वो भी परवेजी बनेंगे और उसी मजहब पर आएंगे, खुदा के गुस्ताख, नबी के गुस्ताख, कुरान और हदीस से इनहिराफ होगा, वो भी बद मजहब, वो भी गए, वो भी ईमान से गए, ये भी ईमान, अब उनसे आगे जो नस्ल चलेगी वो भी ईमान से गए। अब ये बंदा जब दुनिया से जाएगा, कब्र में बाद में जाएगा, जहन्नम का कोरा पहले, जहन्नम की आग पहले, खुदा का कहर पहले, खुदा का गजब पहले, जब कयामत में आएगा खुदा का कहर होगा, खुदा का गजब होगा, लानतों की फटकार होगी, उठाकर ऊंचे मुंह जहन्नम की आग में इसको जलाया जाएगा, तड़पेगा, रोएगा, चिल्लाएगा। दोस्तों काफिर है, काफिर को न पीछे से दुआ फायदा देती है, न पीछे से सदका फायदा दे, मर गया मर्दूद न फातिहा न दुरूद, एक तो खुद काफिर मरा, सारे सारी दुआएं कोई भी उसके लिए दुआ नहीं है, हराम होकर हराम की मौत मर गया। अब पिछले जो काफिर छोड़ गया, अब पिछले जो भी गंदा काम गुस्ताखी करती है, बेटा है बेटी,
बीवी है, बहू है, या जितना खानदान कयामत तक चलेगा, वो जो लानत छोड़ रहा है वो लानत उसको कब्र में पड़ती रहेगी, जहन्नम में पड़ती रहेगी, उस पर अजाब पर अजाब, अजाब पर अजाब, अजाब पर अजाब। उस वक्त कहेगा काश मैंने लाख के लिए ईमान ना बेचा होता, 50,000 के लिए मैंने अपनी आखिरत का सौदा ना किया होता, मैंने कुरान और हदीस से रूह गर्दानी ना की होती, मैंने उम्मत मोहम्मदी वो दुनिया की बेहतरीन उम्मत, कुंतुम खैर उम्मा, जिसको अल्लाह ने सबसे बेहतरीन उम्मत करार दिया है, अल्लाह ने करम किया मुझे सुम्मत में पैदा किया, मैंने सुम्मत को ना छोड़ा होता, मैंने परवेजी फितरे का दामन ना पकड़ा होता, मैंने कादियानी की पुष्पनाई ना की होती, आज ये अंजाम ना होता। वो भी गया जहन्नम में, औलाद भी गई जहन्नम में, नस्ल भी गई जहन्नम में, नस्ल दर नस्ल इनके लिए जहन्नम ही जहन्नम है, जहन्नम ही जहन्नम है, जहन्नम ही जहन्नम है। अब बताओ कितना बुरा सौदा किया है उन लोगों ने जिन्होंने अपना ईमान बेचा है और परवेजी मसलक को, मसब को फरोख दिया है और परवेजी फितरे को परवान चढ़ाया है। दोस्तों इन्होंने अपनी आखिरत को तबाह कर दिया है। जो लोग इनके साथ उठने बैठने वाले हैं, इनका साथ देने वाले हैं, उनके ईमानों का भी जनाजा निकल गया है, इनकी नस्लें भी ईमान का जनाजा निकाल रही है। लिहाजा ये एक ऐसा सौदा है जो खुदा की दुश्मनी का सौदा है, नबी पाक की बेअदबी का सौदा है, कुरान से रूह गर्दानी का सौदा है, जहन्नम में जाने का सौदा है, जहन्नम जन्नत से महरूमी का सौदा है, खुदा और रसूल के कहरो गज़ब का सौदा है। मुसलमानों ये फितनों की हवाएं, ये जहरीली हवाएं गली गली में आम है, कहीं पर कादियानी फितना है, कहीं पर परवेजी फितना है, कहीं पर राफी फितना है जो हुजूर के सहाबा की मोहब्बत दिलों से छीन रहे हैं, कहीं खारजी फितना है जो सीनों से इसके रसूल निकाल रहे हैं, कहीं पर गुस्ताखों का फितना है जो इज्जत रसूल पे हमले कर रहे हैं। ईमान रखो, एतकाद रखो कि सहाबा किराम की तरह, मुस्तफा के नौकरी की तरह इज्जत के साथ कट जाएंगे, मर जाएंगे, जान दे देंगे, हुजूर की इज्जत और ईमान का सौदा नहीं करेंगे। बेशक गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा। और ये आखिरी बात मेरी मत भूलना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे शहर में हम बच्चे थे, एक शख्स बाजार से गुजरता था, काला स्याह उसका चेहरा, और ऐसे लगता था दो दरवाजों में ऐसे किसी ने दबोचा हुआ है। अल्लाह अकबर। यहां से ऐसे दांत यहां तक चढ़े हुए थे, उस शख्स से बदबू आती थी, और जब कभी बाजार में गुजरते उसको देखते तो हमें बुजुर्ग बताते कि ये परवेजी है। अल्लाह अल्लाह। कोई कारोबार नहीं था, कोई काम नहीं करता था, माए वाले कपड़े उस दौर में पहनना बड़ा औखा था, माए वाला पट पट का पहनता था, माए वाले कपड़े पहनता था, और चमकीले बूट पहन के बाजार से ठाट के साथ गुजरता था। कोई शख्स उसको दुकान पे नहीं बैठने देता था। अल्लाह अकबर। जलील हो के मरा, हराम हो के मरा, किसी ने जनाजा नहीं पड़ा। एक था, एक रहा, एक मरा। क्यों? ईमान पक्के थे। दौलत देने के बावजूद, लोगों को मायल करने के बावजूद उसका साथ देना, तो दरकिनार किसी ने उसको अपनी दुकान पे बैठ के चाय की प्याली भी नहीं पिलाई। सुभान अल्लाह। तन्हा था, तन्हा मरा। ये ईमानों की पुख्तगी है। तो ये कैसा ईमान है जो हजार के चंद नोटों के लिए बिकता है, गली गली करिया करिया दुकानों पे बैठकर हुजूर की बात ना करें और परवेजी कुत्ते की बात करें, कुरान की बात ना करें और फितरे की बात करें, हुजूर की हदीस से इनकार करें, शरीयत का इनकार करें, सलफ सालेहीन सहाबे किराम काबरी उम्र सारा दीन एक तरफ और परवेजी फितरा एक तरफ, दीन को छोड़े और परवेजी को अपनाए। अरे लानत भेजो ऐसे पैसों में जो रसूलुल्लाह के दीन को दुश्मन बना रहा है। परवेज पे लानत और गुस्ताख रसूल पे लानत। और वो क्यों तन्हा रहा, क्यों तन्हा मरा, उसकी जनाजा क्यों नहीं पड़ी? इसलिए कि लोग उस वक्त उलमा की कदर करते थे, उलमा की बात मानते थे। सुभान अल्लाह। उलमा ने बतलाया था कि इस शख्स के साथ मेल जोल हराम है, इस शख्स के साथ लेन देन हराम है,
कोई शख्स उसको अपनी दुकान से सौदा नहीं देता था, और ये शरीयत का हुक्म है। सुभान अल्लाह, मैं शरीयत का हुक्म सुना रहा हूँ, शरीयत का हुक्म है। बेशक अगर कोई परवेदी फितने में मुबतला है, आपको उसके साथ सलाम दुआ उठना बैठना गमी खुशी हराम है। बेशक इससे अगला जो सख्त हुक्म है वो किबला रिजवी साहब बयान करें। अगर कोई शख्स परवेदी है, बीमार हुआ, उसकी इयादत को जाना हराम है। उसके लिए दुआए सेहत या दुआए मगफरत करना कुफ्र है। अल्लाहू अकबर। नमाज़े जनाज़ा में जाने वाला मुसलमान नहीं रहेगा। उसके लिए दुआए मगफरत करने वाला मुसलमान नहीं रहेगा। मुसलमान नरासी एक गल होली है असानू दुख ता लगदा जे दसो भाई मुसलमान ही नरासी ते रन भी छुट वेसी आ। हाँ रन भी वैसी बस यार बचना चाहिए। रन कब जाती है जब ईमान जाता है। जितने उलमा फतरे रहने ने भी रन छुट वेंदी है उसका मतलब है कि बंदा काफिर थी गए ता रन छुट गई है। इन नहीं रन छुट वेंदी। और बात समझो मेरे भाइयों, गमी खुशी इजहार तादियत दुआए खैर दुआए मगफरत नमाज जनाजा मेल जोल खाना पीना लेन देन सब कुछ हराम है। ये शरीयत का हुक्म सुना के जा रहा हूं। लिहाजा हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम और वफादार होने का सबूत है जो कुरान को माने, जो हुजूर की हदीस को माने, जो हुजूर की इज्जत करता है, जो सहाबा की इज्जत करता है, अहले बैत की इज्जत करता है, उसके कदमों की खाक हमारी आंखों का सुरमा है। अल हुब्ब फिल्लाह वल बुग्द फिल्लाह, दोस्ती भी अल्लाह के लिए और दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। न जाती किसी से हमारा झगड़ा है, न रोला है, न रप्पा है। जो मेरे आका नबी पाक की इज्जत करता है, शरीयत का एहतराम करता है, हमारे दिलों में उसके लिए हजार बार एहतराम है। लेकिन जो शरीयत से टकराए, हुजूर की हदीस से टकराए, अल्लाह की शान से टकराए, नबी के फरमान से टकराए, वो किस कदर मुसलमान हो सकता है और मुसलमान उसके साथ कैसे बैठ सकता है। जो खुदा रसूल का नहीं है वो तेरे साथ मुखलिस कैसे हो सकता है। बहरहाल जमाने में चार दांगे आलम में तरह तरह के फितने जन्म ले रहे हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया इस उम्मत पर एक ऐसा जमाना आएगा ईमान बचाना इतना मुश्किल हो जाएगा जैसे हाथ पे अंगारा लेना मुश्किल है। हुजूर हम क्या करेंगे। फरमाया ईमान वो बचाएगा जो जंगलों में निकल जाएगा। आज वो कैफियत आ पहुंची है। कभी महफिलों में बैठते हैं तो हजरत अमीर मुआविया की गुस्ताखियां होती हैं, ईमान कहाँ रहता है। कभी महाफिल में जाओ तो आका नबी पाक अलैहिस्सलाम की इज्जत और हुर्मत और आपकी शान और मकाम पर बात होती है और तनकीस होती है, ईमान कहाँ रहते हैं। कहीं कादियानी फिरते हैं, कहीं कर गुस्ताख और बेअदब फिरते हैं। इस दौर में अपना ईमान बचाओ मेरे भाइयों, और पूरी रुए जमीन पे सबसे बड़ी दौलत हमारा ईमान है। बस जियो तो मोमिन बन के जियो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरो तो मुसलमान हो के मरो। ये ईमान हमने अपना बचाना है और ईमान का हिफाजत करनी है और अपने रब से दुआएं करनी है। रुए जमीन पे सबसे सुच्चा और सच्चा अकीदा अल्लाह करीम ने हम अहले सुन्नत व जमात या रसूल अल्लाह कहने वालों को अता फरमाया है। अल्लाह ताला मेरी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जितने लोगों ने इस महफिल के इनेकाद में अपना हिस्सा शामिल किया, अल्लाह ताला दीन और दुनिया की बेशुमार बरकतों से मालामाल।